हेलो फ्रेंड्स, पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो देखिए, इस तरीके के मेरे बाल हो गए हैं और बाल देखिए कितने ख़राब दिख रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हेयर कट करवाने चलते हैं। तो बाल मुझे कट भी करवाना है और कलर भी करवाने हैं। तो देखते हैं आज, अभी तो अपॉइंटमेंट लिया है हेयर कट करवाने का, अगर आर्टिस्ट खाली होगी तो शायद कलर भी मैं करवा लूँ। तो चलिए चलते हैं आज बाल कट करवाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग आए हैं लाल घाटी रोज़ पार्लर है ये, पीछे आप मेरे देख पा रहे होंगे, इसमें उल्टा दिख रहा है। और आज मैं अपना हेयर कट कराऊंगी और बाल बहुत ही ख़राब हो गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने सोचा कि पार्लर चलते हैं। तो मिलते हैं आपसे हेयर कट कराने के बाद। तो ये देखिए, हम लोग पार्लर के अंदर आ गए हैं और मेरे नंबर आने में थोड़ा टाइम है अभी। और यहाँ पर बड़े छोटे सभी लोग हेयर कट करवाने के लिए आते हैं। और यहाँ पर मैं कहूँगी कि भोपाल की सबसे अच्छी आर्टिस्ट हैं हेयर के लिए। और ये जो ब्लैक कलर में खड़ी है ना, ये थोड़ी सी एजेड हैं, बट ये बहुत अच्छे से सजेस्ट करती हैं और बताती हैं कि आपके हेयर किस तरीके के हैं और आपको किस तरीके के हेयर कट करवाना चाहिए। और इधर एक दुल्हन का शायद मेकअप चल रहा है, तो यहाँ पर सब कुछ होता है। और यहाँ पर ये छोटी छोटी गर्ल्स लोग ही हैं जो हमारे हेयर कट करती हैं, बट इनको इतना ज़्यादा नॉलेज है ना, ये लोग हमारे इधर की नहीं हैं, हमारे इंडिया के नहीं हैं, ये लोग जापानीज़ हैं और जापान के हैं ये लोग। और इन लोगों ने अपना इतना अच्छा पार्लर बना रखा है कि मैं क्या बोलूँ, भोपाल में टॉप का पार्लर है ये। और ये लाल घाटी पर पड़ता है जैसा कि मैंने आपको बताया। और अब आ गया है मेरा नंबर, तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर और मैंने बोला कि थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं अकेली आई हुई हूँ तो मेरा कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है। तो कोई बात नहीं, आपको मैं हेयर कट करवाने के बाद में अपना लुक दिखाऊंगी कि मैंने कैसे हेयर कट करवाए हैं। तो देखिए, मैंने कुछ इस तरीके के हेयर कट करवाए हैं। और मेरे बाल आप लोग को पता ही है बहुत ज़्यादा थिन है ना, तो कुछ ज़्यादा मैं इसमें नहीं डलवा पाती हूँ, कुछ ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर ही हेयर स्टाइल हैं जो थिन बाल वालों के लिए हैं। और कुछ बोल रहे थे यू शेप करवा लो, वी शेप करवा लो, ऐसा करवा लो, वैसा करवा लो, तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे को तो लेयर भी डलवानी है और स्टेप्स भी डलवानी है, तो मैंने मिक्स करवा लिया है। तो देखिए मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। और कलर वालों के पास तो टाइम नहीं है, तो अभी बाल हमारे ड्राई ही रहने देते हैं। जब अपॉइंटमेंट मिलेगा तो हम लोग दोबारा आएंगे बाल कलर करवाने के लिए, क्योंकि बाल कलर भी होना है मेरे। और देखिए कितने ज़्यादा सर्दियों में ड्राई हो जाते हैं। और आप लोगों के पास अगर बालों में लगाने का कोई तरीका है कि बाल हमारे नेचुरल और अच्छे दिखें, सिल्की दिखें, तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ, क्योंकि मेरे को ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जो जो चीज़ें मैं सिंपली यूज़ करती हूँ वही मैं जानती हूँ। और देखिए कुछ इस तरीके का लुक मेरा दिख रहा है और बहुत अच्छा दिख रहा था, बहुत अच्छे बाल मेरे दिख रहे थे। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। वहाँ पर बोल नहीं पाई मैं, क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी और आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो देखिए ऐसे बाल मेरे दिख रहे हैं और रियली में बहुत अच्छे लग रहे थे। और देखिए मैंने कुछ फ़ोटोज़ निकलवाए थे, तो वो अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए ड्राई हो गए हैं, बट उन्होंने बाल बहुत अच्छे कट किए हैं। और आगे से देखिए इस तरीके का लुक दिख रहा है। तो मैं आ गई पार्लर से बाहर और देखो बाल भी मैंने कट करवा लिए। घर जाके मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग कहाँ घूम रहे हैं, नर्सरी में पेड़ खरीद लेते हैं, कुछ मिर्च का पेड़ खरीदूंगी मैं तो और देखते हैं क्या खरीदते हैं। वाइट फूल वाली ना, नौरंग वाली। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है और बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के पेड़ हैं यहाँ पर। और देखते हैं, मैं सोच रही थी कि अंदर रखने के लिए भी एक आध गमला वगैरह पेड़ वगैरह खरीद लेते हैं। तो देखते हैं क्या खरीदते हैं और आपको घुमाते हैं हमारे इधर की नर्सरी। गुलाब, गुलाब मुलाम नहीं, चलिए तो दिखाते हैं आपको। वाइट कलर के ना, चलिए तो आपको घुमाते हैं, है ना।
हम दोनों ही जन थे, तो मैंने बोला हेयर कट करवाने के बाद में पास में ही वहाँ पर ये नर्सरी है, तो मैंने बोला चलिए घूमते हैं थोड़ी देर और कुछ समझ में आएगा तो ख़रीद लेंगे। और एक दो प्लांट हम लोगों को ख़रीदना था, तो देखते हैं जो पसंद आता है इंडोर वाला वही ख़रीदूंगी मैं, क्योंकि मेरे को नेचुरल एक अंदर चाहिए, कई गमले चाहिए कॉर्नर में रखने के लिए। बट अभी लगाना स्टार्ट करना है तो धीरे धीरे करके हो जाएगा, अभी एक आध खरीद लेंगे फिर एक आध खरीद लेंगे ऐसे करके, क्योंकि उनकी केयर भी करनी पड़ती है और बच्चे नहीं हैं इसलिए हम लोग यहाँ घूम रहे हैं। क्योंकि बच्चे नहीं हैं ना इसलिए अजीब सा लगता है, मतलब खालीपन सा महसूस होता है, तो कहीं ना कहीं तो टाइम पास करना ही था। तो हम लोगों ने सोचा, दोनों लोगों ने, कि नर्सरी से अच्छी घूमने लायक जगह कहीं नहीं हो सकती है, क्योंकि पार्क वगैरह में भी जाते हैं तो इंजॉय करने का मन नहीं होता है, क्योंकि बच्चे नहीं हैं ना तो कुछ खाने का मन भी नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है कि कहीं घूम लो या कुछ भी, मतलब अशांति सी लगती है बच्चों के बिना ज़िंदगी में। और सच में बच्चे ही हमारा जीवन है, और बच्चों के बिना तो क्या है, हमारा घर संसार ही अधूरा है, चाहे सब कुछ हो और बच्चे नहीं हैं तो फिर क्या है। और ये वाला प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन उन्होंने बोला कि इसकी केयरिंग ज़्यादा है, इनडोर तो है बट इसको धूप में भी रखना पड़ेगा आपको। तो मैंने बोला कि ये वाला नहीं ख़रीदते हैं, कुछ ऐसा ख़रीदते हैं कि मैं उसकी देखभाल आराम से कर पाऊँ, क्योंकि ये तो चले जाएंगे छुट्टी कटने के बाद और हम लोगों को फिर प्रॉब्लम होगी, खास करके मुझे। और इसलिए मैंने बोला कि अभी एक या दो प्लांट हम लोग ख़रीदेंगे इंडोर वाले, ताकि देख रेख अच्छे से हो उनकी। और इनके सुपारी के पेड़ तो बढ़ ही रहे हैं, आप लोगों ने देखे ही होंगे, उनके लिए भी हमें गमले ख़रीदना है तो हम यहीं से ख़रीद लेंगे। और ये देखिए, और ये देखिए इनके पास भी लगे हुए हैं 2-3 सुपारी के पेड़, तो हम लोग देखने के लिए आए हुए थे, हम लोगों को चाहिए नहीं था, बस हम लोगों को देखना था कि 2-3 साल में कितने बड़े हो जाते हैं, तो देख लिए हम लोगों ने। तो ये देखिए कुछ इंडोर प्लांट भी हैं। और आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें साथ साथ, ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और इसी तरीके से मेरे वीडियोज़ देखते रहिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग मेरे वीडियोज़ देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। बाय बाय।